अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और चिकन का सालन। इसके लिए हमने चिकन ले लिया 1 किलो, लिए 2 मीडियम साइज के, इन्हें हमने टुकड़ों में काट लिए। मीडियम साइज के हमने प्याज ले लिए हैं, 7 से 8 लहसुन के हमने जोए ले लेने हैं, 1 अदद टमाटर, 1 सब्ज़ मिर्च। हम लेंगे एक पान, उसमें ऐड करेंगे अपने कटे हुए लहसुन और प्याज, ऐड कर लें टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड कर लें, 1/2 गिलास पानी डाल दें, इन्हें हम डुबा लेंगे 5 मिनट। 5 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो गया, हमारा लहसुन प्याज अच्छी तरह से गल गया। अब हम इसमें डाल लेंगे ऑयल, 1/3 कप ऑयल ऐड करेंगे, इन्हें अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये देखें हमारे प्याज कितनी अच्छी तरह से हो गए ब्राउन। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कटे हुए आलू, ऐड कर लें, इन्हें भी अच्छी तरह से भून लें, 2 से 3 मिनट इन्हें भून लें। ये देखें 2 से 3 मिनट हो गए, हमारे आलू अच्छी तरह से भून गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन, सभी रख कर अच्छी तरह से भून लें। इस तरीके से चिकन और आलू बहुत ही मज़े का बनता है। देखिए 5 से 7 मिनट भूनना है, हमारे चिकन का कलर हो जाए चेंज। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए, हमारा चिकन कितनी अच्छी तरह से भून गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ा मिर्च और हल्दी ऐड कर लें इसके साथ में। और ये देखिए हमने नमक और मिर्च डालकर इसे अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून दही, ये ऐड करके इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे, दही का पानी हो जाए खुश। ये देखिए हमारा चिकन अच्छी तरह से भून गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, मैं सब इसे अच्छी तरह से भून लें। ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी, आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना शोरबा रखना है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे मेथी, ऐड करके इसे 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे रखें ताकि हमारे आलू और चिकन अच्छी तरह से गल जाएं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सब्ज धनिया। यह सालन हो गया तैयार, ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।